वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। आई विल डिस्कस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इनकम में लचक होने से डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है? जब कभी किसी की इनकम में इजाफा होता है, इंक्रीज होती है, तो वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड करता है, और जब उसकी इनकम में डिक्रीज होता है तो पहले से कम चीज़ें डिमांड करता है। होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स। कंज्यूमर की इनकम और जो डिमांड करता है गुड्स को, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर्स करती है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन नॉन रिस्पॉन्सिव फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट। ये पॉजिटिव भी रिलेशन हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द कंज्यूमर्स इनकम एंड प्रोडक्ट डिमांड आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर इज सिमिलर टू द प्राइस डिमांड इक्वेशन। कंज्यूमर की जो इनकम है और जो डिमांड है प्रोडक्ट की, वो डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड है। दिस सिमिलर टू द प्राइस डिमांड इक्वेशन। जो प्राइस डिमांड इक्वेशन है वो मुख्तलिफ भी हो सकती है। डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स ग्रोज विद एन इंक्रीज इन कस्टमर वेज एंड वाइस वर्सा। कस्टमर के जो वेजेस है उनमें इजाफा होने से वो गुड्स की डिमांड में इजाफा कर देता है, और इसी तरह जैसे उसके वेजेस में इजाफा होता रहेगा, वो अपनी डिमांड में इजाफा करता रहेगा। अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड आर कॉन्स्टेंट। जो दूसरे डिमांड के फैक्टर हैं वो कॉन्स्टेंट हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स इन डिमांड टू द एडजस्टमेंट इन कस्टमर इनकम। द लार्ज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट द ग्रेटर द शिफ्ट इन डिमांड देयर इज फ्रॉम अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम। किसी प्रोडक्ट की डिमांड की आमदनी में इलास्टिक जिस कदर ज़्यादा होती है, वहाँ कंज्यूमर की आमदनी में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली होती है। जिस कदर एक कंज्यूमर उसकी आमदनी में इजाफा होगा, वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेगा, और अगर उसकी आमदनी में कमी आ रही है पहले से, वो चीज़ें कम डिमांड करना शुरू कर देगा।